सच्चे दरबार की जय। और भजन बड़ा सुंदर है, एक शब्द बड़ा सुंदर है, क्या सुनिए। इस भजन को मैंने YouTube पर गाया और देखिए हमारे जो इस भजन को लिखा है वो बड़े सुंदर एक लेखक हुए हैं, राजू तूफानी जिनका नाम है, बहुत अच्छे लेखक हैं वो और बहुत सुंदर उन्होंने इस भजन की रचना की है। आइएगा आज हमारा देखिए दुनिया में क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, क्या चल रहा है कलयुग। हम कहते हैं कलयुग ऐसा कर रहा है, कलयुग वैसा कर रहा है, कलयुग ऐसा कर रहा है और कलयुग वैसा, कलयुग में ऐसा होता है। लेकिन देखो सुनो कमेटी वालों, कलयुग के बराबर ना तो कोई दुनिया में आज तक युग आया है और ना कोई आने वाला है। बाबा तुलसीदास कहते हैं कलयुग ऐसे नरक से धोख्यों निष्कत राम। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि अगर ऐसे कलयुग में धोखे से भी राम निकल जाता है तो उस भक्त का बेड़ा पार हो जाता है। कलयुग ऐसे नरक से धोख्यों निष्कत राम। और कहते हैं कलयुग नहीं सब आन युग जो नर करे विश्वास, कलयुग नहीं सब आन युग जो नर करे विश्वास, और भजिए राम गुण कल विमल भव तरही सी नहीं प्रयास। बोली सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। तो कलयुग के समान ना तो कोई युग आया है और ना कभी आएगा। अब सुनो, एक बार की बात है, कलयुग का राज दरबार चल रहा था। क्या चल रहा था? राज दरबार। सुनो गौर से सुनो। अब कलयुग राजा आराम से सिंहासन पर बैठे थे। कहाँ बैठे थे? सिंहासन पर। अब सतयुग त्रेता द्वापर तीनों कहाँ पहुंच जाते? कलयुग के राज महल में। सतयुग त्रेता द्वापर पहुंच गए कलयुग के राज महल में। और जब सतयुग त्रेता युग और द्वापर युग तीनों जाकर खड़े हो गए राज महल के बाहर, तो द्वारपालों ने पूछा, अरे भैया कैसे आना हुआ, भैया कैसे आना हुआ? तो द्वारपालों से जब द्वारपाल पूछते हैं सतयुग त्रेता द्वापर से कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा अरे हम तो वैसे ही आ गए। कैसे आ गए? वैसे ही आ गए। अब सतयुग त्रेता युग और द्वापर युग की एंट्री हो गई दरबार में और कलयुग बैठा है। अब कलयुग ने ही यही बात पूछ ली, भैया कैसे आना हुआ? तो कलयुग ने कहा भैया कैसे आना हुआ? तो सतयुग त्रेता द्वापर बोले भैया ऐसे ही आ गए। तो कलयुग कहने लगा ऐसे तो तुम ना आने वाले हो, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ। और कलयुग कहने लगा दाल में काला नहीं, दाल पूरी ही, दाल तो पूरी ही काली है। अब कलयुग बोला भैया अच्छी बात है तुम आए सतयुग त्रेता द्वापर युग, लेकिन देखो तुमने कैसे राज चलाया। सतयुग त्रेता द्वापर तुमने कैसे राज चलाया? पहले तो तुम अपनी सुनो, फिर मैं तुम्हें अपनी सुनाऊंगा। बड़े पॉपुलर राइटर राजू तूफानी ने इसे लिखा है, श्री राजू तूफानी जी ने, जो हमारे यहाँ के हैं। और ये भजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरे द्वारा गाया गया है और इसे सुरभि शर्मा चैनल पर देखिएगा, सुनिएगा। अब कलयुग कहने लगा भैया पहले तो मैं तुम्हारी सुनाऊंगा, ठीक है, और फिर तुम मेरी सुनना। सुनो सुनो, कहने लगा कलयुग, और जो पहले सुना कलयुग कहने लगा क्या, कलयुग युगों से बोला, कलयुग युगों से बोला। क्या सतयुग त्रेता द्वापर तुमने भी बड़ा राज चलाया है और आज मेरा राज देखो क्या। कलयुग युगों से बोला, कलयुग युगों से बोला, तुम हो बेकार के। के सतयुग त्रेता द्वापर तुमको बिल्कुल बेकार हो, तुम बिल्कुल बेकार हो।
कलयुग युगा से बोला, कलयुग युगा से बोला तुम हो बेकार के। और दोनों हाथ उठा के कहो क्या धर्म और परम ना हो गए शरण देश मार के। अरे कलयुग युगा से बोला, कलयुग युगा से बोला तुम हो बेकार के। धर्म और कर्म ना हो गए राज चलाया। पहले तू सुन तूने कैसे राज चलाया। कहने लगा कलयुग क्या, अरे सतयुग में क्या हुआ। सतयुग सुन ले तेरे राज में, सतयुग तेरे राज में क्या हुआ। कहने लगा क्या, अरे सतयुग में हरिश्चंद्र को देखो भरा शूद्र घर पाने। अरे ये तेरी मेहरबानी, सतयुग तेरे राज में एक राजा हरिश्चंद्र को एक शूद्र के घर से पानी भरना पड़ गया था। सतयुग तेरे राज में एक हरिश्चंद्र राजा को एक शूद्र के घर से पानी भरना पड़ गया था। और हुआ क्या, सतयुग में हरिश्चंद्र को देखो भरा शूद्र घर पानी। अरे ये तेरी मेहरबानी, पानी भरना पड़ गया। त्रेता तेरे राज में राजा बाली ने अपनी अपने भाई की बीवी को रख लिया जो पुत्री समान होती है, उसकी बेटी को उसकी पत्नी को रख लिया, उसका राज पाठ छीन लिया। और तू राज करता गया, तूने एक मिनट नहीं सोचा और कहने लगा कलयुग क्या, अब काहे बैठे हो तू, अब काहे बैठे हो तू, अब काहे बैठे हो नजर नीचे डाल के। और भजन में आनंद आ रहा तो उठा के हाथ कहो क्या, धर्म और कर्म ना हो गए शरण देश मार के।
सुनने सुना अब द्वापर तू सुन, तूने कैसे राज चलाया। द्वापर में एक द्रौपदी नाम की नारी हुई, द्रौपदी हुई जिसका विवाह पांच पतियों के साथ किया गया, पांच आदमियों के साथ किया गया। ना तो देवर का नाता, ना जेठ का नाता, कोई नाता था। एक औरत और पांच पतियों के साथ, पांच भाइयों के साथ विवाह किया। ऐसे राज चलाया तूने, एक महिला के साथ ना तो देवर का नाता, ना जेठ का नाता, ऐसे राज किया। कहने लगा था लियो क्या, अरे द्वापर सुन ले, तेरे राज में हुई द्रौपदी नारी, ये जाने दुनिया सारी। और साथी के पांचों भाई पति बन बैठे, पांचों भाई पति बन बैठे, क्या नई रीत निकारी। और साथी थे बनवारी, विवाह शादी किसने कराई, खुद मुरली मनोहर कन्हैया ने। द्रौपदी नारी और पांच पतियों की पत्नी बनी, और शादी किसने कराई, कन्हैया ने। और द्वापर तेरे राज में तो धर्म ने भी धर्म छोड़ दिया, ऐसे राज किया तूने। जब युधिष्ठिर ने, द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर से, भैया अश्वत्थामा मर गया, तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया था, अश्वत्थामा मर गया, तेरे राज में तो धर्म ने भी धर्म छोड़ा। और तू कहता है मैंने बहुत अच्छा राज किया, और कहने लगा कलयुग क्या, धर्म ने धर्म छोड़ा, धर्म ने धर्म छोड़ो, धर्म ने धर्म छोड़ो, धर्म ने धर्म छोड़ो, तेरी बचार से धर्म और कर्म ना हो रे शर्म बेशुमार से, बोला कलयुग बोला तुम्हें दिखाऊं अपने राज की।
शिकारी मारा। जब कलयुग सोने का हिरण बना और इस माया रूपी जंगल में घूमने लगा, शिकारियों ने देखा राज कलयुग का हिरण सोने का लालच आ गया और हुआ क्या, आए तो शिकारी मारा। लालची शिकारी आए, शिकारियों ने देखा हिरण सोने का लूटने में क्या, आए तो शिकारी मारो, आए तो शिकारी मारो, LMG निकाल के, आए तो शिकारी मारा, आए तो शिकारी मारा, LMG निकाल के। और आनंद आ रहा हो तो मीठा मीठा गाते कहो क्या, धर्म और कर्म ना छीन लेगी, दिन में ले चलेंगे तो पुलिस छीन लेगी। एक काम करते हैं, झाड़ियों में छुपा देते हैं। हाँ छुपाते हैं, झाड़ियों में छुपा देते हैं, रात होगी तो ले जाएंगे। अभी दिन है, पुलिस ले लेगी, रात को ले जाएंगे जब कोई नहीं होगा। अब दोनों दोस्त बैठ गए, कलयुग कह रहा है देख लो अभी बताऊंगा। अब दोनों दोस्त रखवाली में बैठ गए। अब एक ने कहा भैया मुझे भूख लगी है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा भैया मुझे भूख लगी है, तो दूसरा दोस्त कह रहा है काम कर घर जा। कहाँ जा, घर जा, कुछ खाने को लेके यार, कुछ खाकर आ, कुछ खाकर आ, कुछ खाने को लेता आ। अब भैया जो पहला था वो अपने घर जा रहा है, अब जो यहाँ है वो सोच रहा है कि जैसे ही आएगा एक अंटा दूंगा, मर जाएगा हिरण मेरा हो जाएगा। और जो दूसरा घर जा रहा है वो एक काम कर रहा है क्या, वो सोच रहा है लड्डू बनवाऊं, क्या बनवाऊं, लड्डू। जो घर जा रहा है वो सोच रहा है लड्डू बनवाऊं, जहर मिलवाऊं, खाएगा मर जाएगा हिरण मेरा हो। इधर सोच रहा है कि जैसे ही आएगा बंदूक चला दूंगा, मर जाएगा हिरण मेरा हो जाएगा। और जो दूसरा जा रहा है वो सोच रहा है लड्डू बनवा दूं और जहर मिलवा दूं और खाएगा मर जाएगा हिरण मेरा हो जाएगा। यही है कलयुग की परिभाषा। एक गाना सुना होगा, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, प्रॉपर्टी के चक्कर में है ना, पैसों के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई भाई नहीं रहता। विभीषण जैसे भाई भी हुए हैं और भरत जैसे भाई भी हुए हैं इस दुनिया में। और जो जा रहा है वो सोच रहा है जहर मिलवाऊंगा, लड्डू खाएगा मर जाएगा। सुनिए क्या होता है क्या, अब वो लड्डू लेकर आया बनवाकर उस भाई के पास, और वो तो सोच रहा है कि आएगा बंदूक चला दूंगा मर जाएगा इधर वाला, और वो लड्डू लेकर आ रहा है दूसरा वाला, और हुआ क्या, अरे जहर मिला लड्डूओं में दाया, हुआ क्या सुनो, जहर मिला लड्डूओं में लाया, ना कुछ देर लगाई, अरे सुन लो मेरे भाई, लड्डूओं में लाया, जहर मिला लड्डूओं में लाया,
नजदीक दोस्त के आते ही नजदीक दोस्त के झट बंदूक चलाई और दोस्त की करी तबाही तबाही। जो लड्डुओं में जहर मिलवाकर लाया था, जैसे ही वो आया तो जो दोस्त यहाँ बैठा था जिसके हाथ में बंदूक थी, उसने एक बंदूक की गोली अपने दोस्त को मारी और दोस्त मर गया। अब बड़ा राजी हो रहा है, अब देख रहा है खाने को क्या लाया था, अब देख रहा है खाने को क्या लाया था। दोस्त को तो बंदूक मार दी और वो मर गया, अब देख रहा है खाने को क्या लाया था। कलयुग कह रहा है देखो मैं कुछ नहीं करता, जैसी करनी वैसी, जो जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देगा। अब जब वो मर गया तो देख रहा है जो जिसने बंदूक चलाई खाने को क्या लाया था, और हुआ क्या, लेकर के लड्डू खाने। दोस्त तो मर गया, अब बंदूक चलाने वाला देख रहा है खाने में क्या है, लेकर के लड्डू खाने, लेकर के लड्डू खाने लगा है निहार, लेकर के लड्डू खाने लगा है निहार। और जैसे ही लड्डू खाया उसका भी काम, अब तो दोनों ही मर गए और कहे क्या धर्म और कर्म ना हो गए शर्म बेशुमार के, हुआ क्या, अरे खाते ही हाँ खाते ही मर गया है वो भी, कलयुग बोला पानी यहाँ चलती नहीं मनमानी। कलयुग कहने लगा भैया अगर तुम यूँ सोच रहे हो ना तुम्हारी मनमानी चलेगी, कलयुग तुम्हें मनमानी नहीं चलती। क्या हुआ सुनो, कलयुग कैसे राज करता है, अरे खाते ही मर गया है वो भी, कलयुग बोला पानी यहाँ चलती नहीं मनमानी। और सुनो, अरे जैसे को तैसा फल दे दू, सुनो तुम्हें दिखानी, कहने लगा क्या, अरे जैसे को तैसा फल दे दू, जैसे को तैसा फल दो नजरों से तुम्हें दिखानी, यहाँ होती नहीं पैमानी। अरे जैसे को तैसा फल दू, जैसे को तैसा फल दू नजरों से तुम्हें दिखानी, और यहाँ होती नहीं पैमानी। पानी जैसी करनी वैसी, जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देगा भगवान। और एक बार उस लिखने वाले के लिए जोरदार ताली बजाओ जिसने इस भजन को लिखा, एक बार दोनों पंडाल झूम गए क्या। राजू तूफानी आज, राजू तूफानी आज कहते ललकार के, और क्या कहते कि धर्म
और कर्म बेशर्म आदमी के नहीं होते, धर्म और कर्म शर्मदार आदमी के होते हैं। और राजू तूफानी कहने लगे क्या, राजू तूफानी आज, राजू तूफानी कहते ललिका, और ताली बजाओ क्या कहो, धर्म और कर्म ना होते। म्यूजिशियंस के लिए बोली सच्चे दरबार की जय। दरबार की।